एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस चैनल पे। आज मेरा छुट्टी था और अभी शाम का समय है और आज मैं गई थी अपनी दीदी लोग का घर। और अपने दीदी लोग के घर से आज मैं आलू लेकर के आई हूँ। आलू मैंने खुद से कोड़ा था, तो वहाँ से 2-4 किलो आलू लेके आई थी। और आज मेरी सिस्टर आ रही है, कजन सिस्टर अनिमा। मैंने आप लोगों को मिलाया था पहले ब्लॉग में, पिछले वाले ब्लॉग में, बहुत दिन हो गया। तो वही लोग आ रही है और उनकी जो बड़ी वाली दीदी है उनकी बेटी भी आई हुई है। उनका कल से एग्जाम है तो वो लोग भी आई हुई है। तो वो लोग इधर में ही रेंट में रहती है, तो उन लोगों को मैंने बुलाया है। और अभी उन लोगों के लिए मैं कुछ कुछ नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तो वो लोग आएगी तो आप लोगों को मिलाएंगे। मैंने अपने किचन में लाइट भी लगा लिया, मैंने न्यू होल्डर लिया, फिर मैंने लाइट भी लगा ली। और आज मैं गई थी अपनी दीदी का घर, और अपनी दीदी के घर से मैंने आलू आलू खुद से कोड़ा है, मैंने खुद से कोड़ के लेके आई हूँ। तो आज छुट्टी था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कुछ लेके आते हैं दीदी लोग के घर से। तो मैं आज वहीं गई थी और वहाँ से आलू खुद से कोड़ के लेके आई। तो मैं ज़्यादा लेके आई नहीं है, 4-5 किलो लेके आई हूँ। और कुछ कुछ सब्जी, फ्रेश बीन वगैरह, वो सब तोड़ के लेके आई हूँ। और आज उसी का सब्जी बनाएंगे, फ्रेश बीन का सब्जी। तो चलिए अभी फटाफट उन लोगों के लिए जल्दी सा नाश्ता बनाते, क्योंकि वो लोग अभी आने तो वाली मैं है। बना रही हूँ अभी नाश्ते में बेसन के पकोड़े। ये मैंने सान के रख दिया था और ये थोड़ा सा नरम हो गया है और बस तालना बाकी है। और इधर में मेरा तेल हो गया है गरम और अब इसे मैं डालती हूँ। प्याज मैंने ज़्यादा दे दिया है इसमें, क्योंकि प्याज बहुत अच्छा लगता है मेरे को और अच्छा टेस्ट भी आता है। तो ये बन गया मेरा पकौड़ा, और पकौड़े के साथ मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ दूंगी जब वो लोग आएंगी। अभी तक तो वो पहुंची नहीं है, बस रास्ते में ही है। गाइस, अनिमा लोग आ गई है, तो आइए आप लोगों को मिलाते हैं। तो इसे तो आप लोग मिल ही चुके होंगे इनसे इनसे और इनसे हम मिलाते हैं आप लोगों को। ये है मेरी दीदी का बेटी, हाय। बड़ी मम्मी की बड़ी वाली बेटी का बेटी है। तो इनका कल एग्जाम है तो इसलिए आई हुई है। 1 महीने एग्जाम चलेगा ना, इंटर का एग्जाम है, इंटर इंटर का एग्जाम है। तो तैयारी कैसा चल रहा है? अच्छा है, जैसे तो इनसे क्या मिलाना है, इनसे तो आप लोग मिल ही चुके होंगे अनिमा से पहले ही। तो अभी चलते हैं, इन लोगों के लिए जो नाश्ता बनाया है वो नाश्ता देते हैं। ये लोग पूछ रही थी मेरे को कि क्या बनाया है बोल के, तो वही नाश्ता बना दिए हैं। तो अभी नाश्ता लेकर के आते हैं। आ गया यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते के साथ मैंने कॉफी बनाया है। कॉफी पी हो कभी? नहीं नहीं पी। तो आज पी लो, मजा ले लो कॉफी का। चलो नाश्ता करो, आ जाइए। आप लोग आप लोगों भी नाश्ता करने के लिए बुला रही है, आप लोग भी आ जाइए शाम। तो चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। अरे ये लोग तो फोटो खींचने में व्यस्त है, फोटो खींचने का मन कर रहा है ये लोग को। हम लोग नाश्ता कर लिए और इधर में हम लोग कंबल से ढका के हम लोग गपशप मार रहे हैं हम लोग। अभी लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग यहीं से खाना खा के जाओ, बट ये लोग तो खाना पका के आई है इसलिए ये लोग जा रही है। और मैं बोली कि मेरे लिए भी डाल के लेके आती तो क्या होता है, खाना आज मैं खाना नहीं बनाई हुआ है, बिना खाए सो जाएंगे। लाइट भी कट गई है अभी, ये इन्वर्टर वाला, इन्वर्टर नहीं इमरजेंसी लाइट है, लाइट इतना टाइम में कट जाता है। तो चलिए अभी ये लोग जा रही है तो ये लोग को आधे दूर छोड़ के आते हैं, उसके बाद आके लाइट आएगी तो मैं खाना बनाने जाऊंगी। गाइस, अनिमा लोग चली गई और मैं भी चलती हूँ अभी खाना वगैरह बनाने के लिए। और आज मैं सब्जी में बनाने वाली हूँ आलू का चोखा, क्योंकि मैं बहुत दिन से आलू का चोखा खाई नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ चावल में ही आलू डाल दूंगी। तो चलिए अभी चलते हैं, फटाफट खाना वगैरह बना लेते हैं पहले, उसके बाद जल्दी से खा पी के सो जाएंगे। तो गाइस, मैंने खाना चढ़ा दिया है इधर में, देखिए मैंने चावल चढ़ा दिया है। और अब 4 आलू मैं धो के अभी चावल में डाल दूंगी। आज मैंने जो लाया था आलू दीदी लोग के घर से, तो वही आलू मैं डाल रही हूँ।
और मेरी दीदी इतनी अच्छी है यार कि क्या ही कहें, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ उनका घर ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे दे के ही भेजती है, तो मेरा सब्जी भी हो जाता है, मुझे खरीदना नहीं पड़ता है, उनके घर जाती हूँ उसके बाद। तो चलिए अभी मेरा खाना पक रहा है, जब तक खाना नहीं पकता है इंतजार करते हैं खाना पकने का। तो मेरा पक गया है और खाना भी मेरा बन गया है, तो मैं अभी आलू पहले निकाल लूँगी। देख सकते हैं आप लोग मेरा आलू पक गया है, तो चलिए अभी आलू पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद खाना को पसा देते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा खाना बन गया और मेरा चोखा भी मैंने रेडी कर लिया है, और आज मुझे सादा सादा खाने का मन किया था इसलिए मैं चोखा बनाई थी और आम का अचार। तो चलिए फटाफट पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और भूख से मुझे रहा नहीं जा रहा है, तो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं। सो गाइस फाइनली मेरा खाना पीना हो गया और मुझे नींद भी आ रही, क्योंकि मैं खाने के बाद बहुत जल्दी सो जाती हूँ, और प्लस मेरे मोबाइल का बैटरी भी ख़त्म हो गया है, मैं सुबह में ही चार्ज की थी और आज मैं पूरे दिन मोबाइल चलाई तो ख़त्म हो गया मेरा बैटरी। और अभी चलते हैं मोबाइल को चार्ज में डालते हैं, और मुझे नींद भी लग रही है तो मैं चलती हूँ सोने, कल सुबह मुझे ड्यूटी भी जाना है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।